अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वलीदा। आप देख रहे हैं चैनल वलीदा सिर्फ। तो यार आज की वीडियो के अंदर मेरे चिक्स 2 से 3 मर भी चुके हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बना रहा था पहले दिन से। यार चूज़ों को हो गई थी जुएँ, जिनको कहते हैं परों के नीचे हो जाती हैं, और इसका क्या इलाज करना है। तो मैंने प्रॉपर किया हुआ है, आपको पहले वाली कंडीशन दिखाता हूँ कि जब जुएँ थी तब चिक्स कितने कमज़ोर हो गए थे, इसके क्या नुकसान आते हैं, क्या इलाज है, तो सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो करते हैं यार आज की वीडियो को शुरू। ये देखें तो बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके ऊपर ना ये लाइसिस लगी हुई हैं जो हैं, और ये आप खींचोगे तो उतरेंगी नहीं। अगर खींचोगे भी ना तो इनको आप मसल हो गए तो उन्हें खून निकलेगा। ये बहुत खून पीती हैं, तो अभी मैं इनको प्रॉपर यार ये लगा रहा हूँ, बहुत मेहनत वाला काम है। ये चूज़े विक्टिम हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, और बाकियों को भी हल्की हल्की हैं उन, क्योंकि मैंने चेक नहीं था इनको किया, तो मेरी गलती की वजह से। अगर मैं पहले दिन ही चेक कर लेता तो आज इस कंडीशन पे ना पहुंचते, तो ये एक दिन के अंदर अंदर इस तरह हो गई हैं। तो अभी मैंने सबके परों के नीचे चेक किया, सबको लाइसिस हैं। तो अब मैं जल्दी से ना इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, और इसके बाद इनको मैं जो क्या कहते हैं बॉडी म्यूनर होगा ना वो दूँगा, जैसा कि अगर देसी इलाज में बात करें थोम वगैरह की। और इनका इलाज अब करने के ना मैं चीज़ें ले आऊँ, ये देखें ये जो लकड़ी आपकी जब जल जाती है उसके बाद जो स्वाह नहीं बन जाती, और ये आपने वो ले आनी है। और दूसरी बात ये इसको आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करके ना तो चिक्स के केज में रख दें, और नहीं तो इसके ऊपर एक गड़ा सा बना लें, उसके अंदर ये फेंक के चिक्स को उसके अंदर भेजा करें। और दूसरी जो चीज़ वहाँ पर यूज़ होगी वो ये होगी, देखें इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू, ये आपको मिलेगा। ये किस तरह लगाना है ये तरीकाकार भी आपको बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। तो यार ये लगाना कुछ इस तरह है कि या आपने ले लेना है इसको उंगली के ऊपर, ये शैम्पू होगा, और आपने चूज़ों के परों के नीचे जहाँ जहाँ पे हैं वह जुएँ हैं वहाँ पे आपने ये लगा देना, और पूरी तरह बॉडी को चेक करना है, सारी जुएँ मर जाएंगी और उतर जाएंगी। तो क्योंकि जुओं की वजह से ही उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो अब ये दोनों ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, तो अभी फिर जो नतज होंगे वो आपके साथ शेयर किया जाऊंगा, कर दूंगा। देखें ये भी मैंने शैम्पू इसके ऊपर लगाया, और किस तरह नुमाया हो गई हैं ये। तो इसी तरह जिसम के जिस जिस कोने पे हैं वहाँ पे आपने ये लगाना है, और ये जहाँ जहाँ से खाती जाती हैं वहाँ पर जहम भी करती जाती हैं। और यहाँ पर भी ये देखें ये कुछ ना छोटी छोटी भी साथ उग रही हैं, नहीं बन रही हैं। तो अभी मैं इसको शैम्पू लगा के साख अंदर छोड़ूंगा, और अगर इसने खुद ही अगर ना अंदर अपने आप को काट लिया तो सही, अगर ना किया तो मैं पकड़ के इसको करूँगा। आज दूसरा दिन ना देखें, एक दफ़ा ही लगाने से शैम्पू कितना फ़र्क पड़ गया, देखें सड़ गई हैं जुएँ, और लेकिन चूज़े बहुत ढीले हुए हैं अभी इनको मैं इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये आपने ORS वाटर ले आना है, इसका मैंने आपको काम बताया, क्योंकि कमज़ोरी हुई है तो ये उनको ताकत भी देगा और पानी की कमी पूरी करेगा। और ये विब्रामाइसिन कैप्सूल ले आया हूँ यार, उनको ना कल जब शैम्पू लगाया था इसकी वजह से हल्का हल्का जुकाम था, तो जुकाम और रेशा हो गया था, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फ्लैजिल की मैं गोलियाँ ले आया हूँ, इनका भी दरअसल काम यही होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी एंटीबायोटिक के लिए ये यूज़ होती हैं। तो इनको मैं पीस लूँगा, इसको भी पीस लूँगा, और ये तो मैं बाद में पानी में 24 घंटे यही डाल के दूँगा ताकि उनको ज़रा ताकत मिले, पानी की कमी पूरी हो। और जो ये दवाई है ना यार, इसमें पानी में डाल के नहीं दूंगा, क्योंकि पानी ये ज़ाया भी कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, थोड़ा कुल्ली के अंदर पानी तैयार करके ये और ये अंदर एक कैप्सूल डालूंगा और ये डालूंगा, और इसको ना सिरिंज से हर चूज़े को पकड़ के आधा आधा CC पिला दूंगा, इससे ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। तो चले अब मैं आपको बता देता हूँ यार ये जुओं के नुकसान क्या है। तो इसके ना मेन नुकसान ये होता है कि चिक्स को जब ये हो जाती है ना तो आपके चिक्स कमज़ोर होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, चाहे वो जितना मर्जी खाना खा लें तो ये जो उनका खून पीती रहती हैं और उनको कमज़ोर करती रहती हैं। और इनकी ज़्यादातर लोकेशन कहाँ होती है, ये दुम के पास, सीने के पास, परों के नीचे ज़्यादातर होती हैं, और आपने वीडियो के अंदर देख लिया होगा ये किस तरह की आती हैं। तो इनका इलाज किस तरह करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और यार एक दफ़ा करने से ही ये ख़त्म हो जाएंगी, मैंने अपने चिक्स को किया है तो एक दफ़ा से ही ख़त्म हो गई हैं। तो मुझे थोड़ा लेट पता लगा था तो इसलिए 2 से 3 चूज़े मर गए, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए हैं। और किस तरह, यानी कि अगले दिन ही दवाई लगाने के बाद सड़ गई हैं। तो यार इसके लिए केयर आप ज़रूर किया करो, चेक करते रहा करो। तो उम्मीद है यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी तरह इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।